क्यू लिंक्स की जानिब से क्यू हाई स्ट्रीट की लॉन्चिंग और फैमिली फेस्टिवल का एहतमाम अजहर अली क्रिकेट स्टेडियम वलेंशिया टाउन में किया गया। फैमिली फेस्टिवल में ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर्स, गोल्ड सेल्स पार्टनर और इनकी टीम ने खसूसी शिरकत की। फैमिली फेस्टिवल में कस्टमर्स और क्लाइंट्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। फैमिली फेस्टिवल में न्यू प्रोजेक्ट क्यू हाई स्ट्रीट के बारे में कस्टमर्स को आगाही दी गई। कस्टमर्स की जानिब से फैमिली फेस्टिवल और न्यू प्रोजेक्ट को खूब सराहा गया। फैमिली फेस्टिवल में फूड स्टॉल, बच्चों के लिए प्लेलैंड और म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया। मुल्क के नामवर गुलकार राहत फतेह अली खान और बिलाल सईद ने अपनी आवाज़ से हाजरीन के दिल जीत लिए। आखिर में मुकर्रीन का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सर, आज की फैमिली फेस्टिवल के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर में मेला लूट भी है जी, और इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह चेहरा क्यू लिंक्स को जाता है और हमारी पूरी टीम को जाता है जो हमारे ऑथराइज्ड डीलर है और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये आपके कस्टमर्स के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है और इस इवेंट को जिस तरह से माशाल्लाह फैमिली एंजॉय कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और ये जो प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह इसी तरह खुशियाँ बिखेरेगा। ये जिसकी जो इसकी लोकेशन है और जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये इंशाल्लाह मैं सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह अपना लोहा मनवाएगा। ये मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सर आप ये बताएं कि ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर्स जो है वो आपके गोल्डन सेल्स पार्टनर हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ग्लोब एस्टेट के बारे में इतना ही कहूँगा कि बहुत माशाल्लाह डेडिकेटेडली काम करते हैं, अपने कस्टमर का, अपने इन्वेस्टर का बहुत ख्याल रखते हैं और इसी तरह मैं उनको कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। तो सर ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए तो मैं एक ही मैसेज दूंगा कि जो आप लोग न्यूज़ सुन के डर के बैठ जाते हैं ना, आप यकीन करें यहाँ कुछ भी नहीं है। आप जरा इस मेले में देखें, आपको लगता है कि यहाँ ये डिफॉल्ट करेगा, यहाँ कोई इकोनॉमी का मसला है, ये सिर्फ खबरों में है। खबरें छोड़ दें, डायरेक्ट अपनी फैमिली से रब्ता करें। कोई किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट नहीं है, पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये मैं आपको बता दूँ कि आपको लगता है वहाँ बैठ के, मुझे याद है वो दौर भी याद है, मुशर्रफ दौर में एक धमाका होता था कहीं भी, तो सारे ओवरसीज समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया। ये वही न्यूज़ है, कुछ भी नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसी तरह खुशहाल है। आप देखें कि हमने हर तरह की सेल्स के रिकॉर्ड तोड़े हैं। आप कैफे का आपने सुना होगा, जो सेल्स उन्होंने उठाई है, आपने 58 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। इसी तरह हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर और बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर यही तेजी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लग रहा है कि डॉलर 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 डॉलर, कुछ नहीं है। असल ये जमीन है जो पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट है, जो प्रोजेक्ट्स है इंशाल्लाह। लेकिन ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर्स जो है ये हमारे मेन ऑथराइज्ड डीलर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से टॉप परफॉर्मर हैं क्यू लिंक्स के साथ। और ये जो आप इवेंट आज देख रहे हैं, ये क्यू लिंक्स की पूरी टीम की दिन रात की अंतर कोशिश और मेहनत का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल इवेंट इस वक्त तक जा रहा है। आप फैमिलीज़ को देख रहे हैं, दिन इस वक्त रात के टाइम में भी दिन की तरह ये ग्राउंड जो है वो चमक रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े कह लें कि अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि इस घुटन ज़दा माहौल में लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी खुशी बखेरने के काबिल हो सके। सर ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर्स ने आज का इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ग्लोब एस्टेट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, इसमें जो लफ्ज़ है ना फैमिली फेस्टिवल, वो मुझे बहुत पसंद है। फैमिली का लफ्ज़ है और क्यू हाई स्ट्रीट ने और क्यू लिंक्स ने एक अमेजिंग काम किया है और इतनी फैमिलीज को इकट्ठा किया है, गेट टुगेदर किया है। फिर राहत फतेह अली को सुनने का मौका मिल रहा है, सो इट्स ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। तो पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है और बीइंग अ वेलेंशियन, मैं वेलेंशिया में रहता हूँ, आई एम रियली हैप्पी कि मेरे टाउन में ये सब कुछ हो रहा है और आई एम वेरी थैंकफुल टू क्यू लिंक्स एंड विश देम ऑल द बेस्ट। जी अलहमदुलिल्लाह, जैसा कि आपने बताया कि अभी हम गोल्ड सेल्स पार्टनर हैं क्यू लिंक्स के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्होंने बहुत एक ज़बरदस्त फैमिली इवेंट मतलब ये इन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और क्लाइंट्स का बड़ा अच्छा रिस्पांस है। वो आ रहे हैं, काफ़ी क्वेरीज कर रहे हैं, क्योंकि ना बहुत सारे लोग हैं जो हाई राइज में कमर्शल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि लोग अपनी फैमिली के साथ इधर आ सकते हैं और वो एक ना सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंट एंटरटेनमेंट है उसको भी एंजॉय कर सकते हैं, प्लस हमसे वो जो अपनी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं। और हमारी टीम है यहाँ पे पूरी ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर्स की, और वो जितने भी लोग आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं। तो सर आप ये बताएं कि क्यू हाई स्ट्रीट किस जगह पे लोकेटेड है, कहाँ पे आ रहा है ये प्रोजेक्ट? जी मैडम, ये बड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी में उसकी लोकेशन सबसे अहम रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये जो सा प्रोजेक्ट है क्यू हाई स्ट्रीट, ये पाइन एवेन्यू पे रिंग रोड इंटरचेंज जो लेक रोड लेक सिटी का इंटरचेंज है उसके बिल्कुल संगम पर ये है और एक जबरदस्त कमर्शियल पॉइंट है और आने वाले दिनों में यहाँ पे मैक्सिमम फुटफॉल देखने को मिलेगा क्योंकि इसकी जो लोकेशन है ये लेक सिटी DHA रैपर वेलेंशिया और रायविंड रोड की सराउंडिंग में जितनी सोसाइटीज हैं उसको ये कैटर करेगी और आने वाले दिनों में इस पे बहुत ज्यादा हम पोटेंशियल देख रहे हैं कमर्शियल एक्टिविटीज के हवाले से। आप ये बताएं कि क्यू लिंक्स किस तरह के डेवलपर्स हैं? जी मैडम, क्यू लिंक्स का जो उनका नाम है वो खुद मतलब अपना तारुफ है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। क्यू लिंक्स वाले हम जो मट्टू साहब हमारे भाई हैं, उस्मान अफजल साहब इनके साथ और ग्लोब स्टेट हम शुरू से ही इकट्ठे ही एक बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर के तौर पे काम कर रहे हैं। क्यू लिंक्स बहरिया टाउन में तो सब लोग इनको जानते हैं, अब ये बहरिया टाउन से बाहर भी आके अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इनके 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त लॉन्च हो चुके हैं बहरिया टाउन में, बहरिया कराची में, बहरिया ऑर्चर्ड में और अब ये पाइन एवेन्यू पे एक बहुत बड़ा जबरदस्त एक प्रोजेक्ट आने जा रहा है। और मैं मतलब सारे लोगों को वेलकम करूंगा और उनको इनकरेज करूंगा कि आप ना सिर्फ इस इवेंट में आए बल्कि क्यू हाई स्ट्रीट के मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप क्यू ग्लोब स्टेट के लोगों से आप रब्ता करें, सेल्स के लोगों से, हम इंशाल्लाह मजीद आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आपको गाइड करेंगे। ग्लोब स्टेट्स एंड बिल्डर किसी ऐसे प्रोजेक्ट को मिस नहीं करता अपने क्लाइंट्स के पास लेके जाने में जो कि एक पोटेंशियल और लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो। तो ये लाहौर के अंदर बहुत अरसे के बाद एक ऐसा डेडिकेटेड कमर्शियल जोन आया है जिसके अंदर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन मौजूद है और इसी वजह से ग्लोब क्यू लिंक्स के फैमिली फेस्टिवल का गोल्ड स्पॉन्सर भी है। जो ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स है वो अपने क्लाइंट्स को क्या डिस्काउंट दे रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने आज के इस फैमिली फेस्टिवल और इवेंट के हवाले से खुसूसी तौर पे अपने क्लाइंट्स को 7% हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कि आज वो आए और कल का दिन भी था, आज का भी, कि 7% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेल करें। ये 2 दिन के लिए था तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो सर ग्लोब का अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है, वो अपने ओवरसीज क्लाइंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? जी ग्लोब हमेशा से ग्लोब का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लोब के प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करते हैं। जैसा कि ग्लोब की नेशन वाइड प्रेजेंस है 9 ऑफिस से और 200+ टीम मेंबर्स की वजह से, तो ग्लोब फुली कनेक्टेड है ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर और उनके लिए वक्तन फौरतन बेहतर से बेहतरीन ऑप्शन लेके आता रहता है। तो सर आज के इवेंट के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्यू लिंक्स और ग्लोब स्टेट ने मिलकर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये तो आज का जो इवेंट है इसने लाहौर की जो एक एनवायरनमेंट थी और स्ट्रेस लेवल, महंगाई, परेशानियां, टेंशन, उस बैरियर को तोड़ा है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की फुटफॉल यहाँ पे हमें मिली है। क्लाइंट्स आए हैं, उन्होंने डिस्कशंस किए हैं, फैमिलीज ने एंजॉय भी किया है, प्ले एरियाज बने हुए हैं, फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं और कल जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस थी। आज तो बादशाह परफॉर्मेंस राहत फतेह अली साहब आ रहे हैं तो उनकी भी परफॉर्मेंस है। तो ये फन फील्ड पैकेज है कि रियल स्टेट भी है, हल्ला गुल्ला भी है, एंजॉयमेंट भी है साथ साथ। तो सर आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स में ऐसी क्या बात है कि क्लाइंट्स का इतना एतमाद क्यों है ग्लोब स्टेट? जी देखिए, रियल स्टेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस जवाब की एक ही की है, वो है कि ट्रस्ट और अच्छी ऑप्शन क्लाइंट को ट्रांसपेरेंटली देना, वो भी ट्रस्ट की बात आ जाती है। सबसे पहले तो ग्लोब स्टेट का शुक्रिया। ग्लोब स्टेट एक ब्रांड स्टेट है, ठीक है जी, और जो ब्रांड स्टेट होती है उसके एंड यूज़र भी उस पर मुतमिन हुए तो ब्रांड स्टेट होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ मार्केटिंग का ग्लोब स्टेट के साथ अच्छा रिश्ता है और यहाँ जो पार्टिसिपेंट की है तो ये दोनों स्टेट यहाँ मुतमिन हुई है, तो यहाँ पार्टिसिपेंट की अपने एंड यूज़र को हम इधर कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका क्या रीज़न है कि यहाँ जितने भी हमने अपने एंड यूज़र को इन्वेस्ट करवाया उनके रेट्स जो है इंक्रीज़ हुए हैं और वो हमारे क्लाइंट भरपूर इन्जॉय कर रहे हैं। तो सर आप ये बताएं कि किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है क्लाइंट्स की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से? जी रिस्पॉन्स तो बेहतरीन है। आप देखें कि आपके ग्लोब स्टेट के काउंटर पे भी ठीक ठाक रश है, हमारे काउंटर पे भी ठीक ठाक रश है, फैमिलीज़ आ रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। ये वही फैमिलीज़ हैं जो आ रही हैं जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आगे उनके जो रिलेटिव हैं वो मज़ीद आ रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये LDA अप्रूव्ड पाइन एवेन्यू पे इनका ये लॉन्च हुआ है क्यू हाई स्ट्रीट, तो लोग इससे मुतमिन हैं और यहाँ पे भरपूर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज का जो फैमिली ये फेस्टिवल है, फैमिली गाला कह लें आप, ये बेसिकली क्यू लिंक्स को ही सराहा जाता है कि हमेशा वो जो है अपना जो इस तरह के इवेंट्स, इसमें बेसिकली 2-3 फायदे हैं। एक तो हम जैसे डीलर हजरात हैं उनमें हमें क्लाइंट्स जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं, फुटफॉल अच्छा आ जाता है। दूसरा, जिस तरह के हमारी अभी कंट्री के इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, लोगों को एक अच्छी एंटरटेनमेंट मिल जाती है। तो ये हमें इसमें दो बेनिफिट हैं, एक तो हमें अपने क्लाइंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए उनको वो मिल जाती है। और ये हमेशा से क्यू लिंक्स का ये सेहरा है कि वो हमेशा इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं फैमिली ओरिएंटेड जो फेस्टिवल्स हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सर आप ये बताएं कि इस प्रोजेक्ट में ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर्स वो गोल्डन सेल्स पार्टनर है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर्स का पार्ट हूँ और मैं टीम लेजेंड से बिलोंग करता हूँ। हमारे ग्लोब से मोर देन 200 एम्प्लॉयज पर कंसिस्ट करती है और इसमें मुख्तलिफ टीम्स हैं और हर टीम की स्पेशलिटी है। तो बेसिकली मैं जो हूँ मैं तो हाई राइज को ही डील करता हूँ। ग्लोब स्टेट इज द नेम वेयर यू कैन ट्रस्ट एंड आपको हमेशा ग्लोब स्टेट जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को ही इनकरेज करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें जिसमें ना सिर्फ हमारे इन्वेस्टर हमारे क्लाइंट्स को फायदा हो और ग्लोब स्टेट पे ही लोग ज़्यादा ट्रस्ट करके हम पे ट्रस्ट करके वो बाइंग करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ग्लोब स्टेट ऐसा एक अदारा है कि जहाँ पे आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सर ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या मैसेज देंगे? एक्चुअली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि ये क्यू हाई स्ट्रीट बनने जा रही है पाइन एवेन्यू रोड इडनाबाद के सामने, और ये जो बेसिकली डिफेंस राया है DHA में उस तर्ज की ये बना रहे हैं। और ये मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह की ये स्ट्रीट बन रही है इस तरह की स्ट्रीट आप यूरोप में दे सकते हैं कि यूरोप में बेसिकली इसको कॉपी करके पहले DHA फेस राया में डिफेंस राया में लाया गया। अब क्यू लिंक्स को ये सेहरा जा रहा है कि वो इस तरह की कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे इडनाबाद जो बिल्कुल इसकी लोकेशन की अगर बात करें लोकेशन बहुत आइडियल है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह उनको बहुत यहाँ पे फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह क्यू लिंक्स ने अपने फेस्टिवल आज के मुनकिद किया और काफी अप्रिशिएट करते हैं उसको कि इस तरह के इवेंट्स करवाते रहता है ऑलमोस्ट, और अपनी न्यू डील लॉन्च की जिसके आज ये लोग इवेंट कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़े स्टार राहत फतेह अली खान साहब आ रहे हैं, फैमिली आप देख सकते हैं एंजॉय कर रही है इसके अंदर। तो सर आप ये बताएं कि क्यू हाई स्ट्रीट में ग्लोब एस्टेट एंड बिल्डर्स जो है वो गोल्डन सेल्स पार्टनर है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ ग्लोबियन प्राउड फील करता हूँ कि ग्लोब ने एक अपना नाम बनाया, 24 साल से मार्केट के अंदर है और हमें फख्र है कि हम इनके प्लाटिनियम और गोल्ड ऑथराइज पार्टनर हैं और मार्केट के अंदर एक अच्छी वर्थ के साथ बैठे हुए हैं। नंबर 2 के ऊपर बात करता हूँ, जो हमारे क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स हम पे ट्रस्ट करके एक चीज़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उनको वैसी ही चीज़ इनको डिलीवर करवा के देते हैं। तो एक हमारी अचीवमेंट है कि क्लाइंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमसे आके अपनी बुकिंग करवाते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी हम उनको कन्वे कर देते हैं। जी बहुत ही बेहतरीन वगैरह इवेंट है हमारे यहाँ पे, हम लोग भी एज ऑथराइज्ड स्टेट काम कर रहे हैं इनके साथ, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के नाम से हमारा अपना सेटअप है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पे मेला सजाया हुआ है क्यू लिंक्स ने और बिल्कुल ग्लोब वाले माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और बेहतरीन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है क्यू हाई स्ट्रीट की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए। एक बेहतरीन आपके पास मौका है, आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गेन कर सकते हैं आप।